आपका, या ये कहे मैं अपना समय आपको नहीं दूंगा, बात एक ही है, आप प्लस में आपका समय लेना, मुझे लगता है कि मैं अपना समय आपको देके अपना टाइम बिगाड़ता हूँ। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, हनुमान जी बने किसके लिए, राम के लिए, राम बने किसके लिए, हनुमान के लिए, दोनों बने किसके लिए, हम सबके लिए। बोले हनुमान जी महाराज की जय। मंगलवार के दिन अगर गुरु पूर्णिमा पड़ जाए तो अति उत्तम, और गुरु पूर्णिमा खत्म, पूर्णिमा है जिससे गुरु पूर्णिमा नजर आएगी, अब गुरु को क्या नजर आएगा। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य था पूर्णिमा, और उस दिन अगर हनुमान जयंती पड़ जाए तो कोई भी देवता की जयंती, देवता दो प्राण के हैं, एक ब्रांड वाले जैसे काल भैरव, काली, श्री कृष्ण, इनका ब्रांड अलग है, एक ब्रांड है सत्यनारायण हनुमान आपके राम, इन सबका ब्रांड थोड़ा काम सब एक ही करते हैं, ऐसा नहीं वो ब्रांड वाला ये नहीं करता, ये वाला वो नहीं करता, सब एक फिट है, एक दूसरे में ब्रांडेड है, इंटरचेंज कर लेते हैं, एक दूसरे से करवा लेते हैं। तो हम थोड़ा सा पहले मुस्करा लें, फिर तीन बार ओम करें मुस्कराते हुए, क्योंकि अब रोने का टाइम नहीं है, हनुमान जी आ गए संकट कटेगा, ये सोच के खुश रहेंगे कि रोएंगे, क्योंकि बहुतों का आदर्श होती है। चलो पढ़ना बहुत शुभ होता है। मंगल ग्रह क्रोध के देवता है, मंगल पराक्रम के देवता है, मंगल परिवार में झगड़ा, कलह, अशांति, युद्ध, और कोई परिवार में नहीं, जहां कहीं भी युद्ध है, खून खराबा है, रक्तपात है, लाल लाल आंखें, गुस्से में लाल, जहां भी कहीं एनीथिंग रेड इज, फायर ब्रिगेड का रंग कौन सा होता है, सिग्नल कौन से ग्रुप जाते हो आप, कभी आपने नहीं सोचा कि वहां भी लाल सिग्नल क्यों लगाएगा, वर्ल्ड वाइड लाल है, और ग्रीन लगा मतलब जाते नहीं, और येलो मतलब थोड़ा थोड़ा आप लोग सिग्नल कभी देखते हो कि नहीं, देखना तो पड़ता है। मंगल मीन्स डेंजर, राइट, खतरा, और जब औरतें शादी के बाद बिंदी लगा देती है तब वो भी एक तरह डेंजर है कि भाई अब बस अब इधर नहीं देखे, तो खैर वो सुहाग का चिन्ह है, और जहां कहीं लाल है वहीं सौभाग्य, इसलिए हिंदुस्तान में हर सुहागिन स्त्री बहुत कपड़ा पहनती है लाल, शादी में जोड़ा कौन सा पहनते हैं, लाल और पीला, ये दो कलर बहुत शुभ माने जाते हैं, और हरा कलर जो है ये बुध ग्रह का है, पीला कलर बृहस्पति, ये पूरा ब्रह्मांड केवल नवग्रहों से ही चलता है, नवग्रह कला और कोई इनको चलाता नहीं है, और उन नवग्रहों के साथ एक सिस्टम है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, तो आपको उन नवग्रहों का हर पल लाभ लेना चाहिए, जो दिन पे जिस ग्रह का महत्व होता है उस दिन उस ग्रह को कुछ भी करके प्रसन्न करना, जैसे आपको मान लो बर्थडे है
तो क्या समझते, आप तो बड़े हैं, तो जो मिलने वाले हो तुमको क्या करना चाहिए? आप अगर करना चाहिए जो मिलने वाले आ रहे हैं बर्थडे, आप मिलने वाले आएंगे क्या करेंगे? अब आप बर्थडे मनाएंगे या अवगत करेंगे? आज समझो बर्थडे किसका है? आपका। लोग आपके बर्थडे के दिन मिलने आएंगे, वो आपको क्या करेगा? खुश हो जाओ। ठीक है, और मान लो कोई गिफ्ट नहीं देता तो आप नाराज हो जाएंगे। खैर आपका स्वभाव जो भी होगा वही करेंगे आप। और मान लो कोई छोटी गिफ्ट दे तो आप उम्मीद लगाए हो कि ये लेकर आएगा वो कुछ और लाए, तो खैर एनीवे मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। पर गिफ्ट सबसे बड़ी गिफ्ट होती आप उसकी खुशी में आए, समझना जरा। लेन देन तो कुछ होता वाता नहीं है, ये तो अपना अपना नसीब है। जो राजयोग लेकर राजा ही रहेगा, भिखारी योग लेकर भिखारी रहेगा। लेकिन अगर आप मिलते हैं, मिल जा करके और कहते हैं भाई हैप्पी बर्थडे टू यू, और उस समय आप उसको कुछ भी देते हैं, अब कुछ नहीं दे सकते, इतना कहें भगवान तुझे हर प्रकार से सुखी रखे, तेरे बर्थडे पे मेरी ये मनोकामना है, मेरी भावना है, मेरी ये आपको आशीर्वाद है, या जो भी समझो शुभेच्छा और थैंक्स दें, तो सामने वाला प्रसन्न होता है यार मेरे बर्थडे पे याद रखा है, यार कम से कम मेरे इन्विटेशन कदर किया। तो एक इंटीमेसी डेवलप होती है, जैसे ह्यूमन रिलेशंस के लेवल पर इंटीमेसी डेवलप करनी पड़ती है और उसको मेंटेन करना पड़ता है। नंबर वन इंटीमेसी डेवलप होनी चाहिए, फिर उसके बाद वो इंटीमेसी समझ रहे थे, अंतरंगता, आंतरिक संबंध, अंतरंग अंतर के भी रंग, डिफरेंट कलर्स, खुशी के कलर वो प्रकट हो, अंतरंग शब्द ऐसे बनता है, तो वो आंतरिक संबंध पहले प्रकट करना, निर्माण करना, फिर उसको प्रदर्श करना, तो संरक्षण करना, उसके बाद उसको एक्सपेंड करना, बढ़ाना, और इतना एक्सपेंड करो, इतना एक्सपेंड करो कि वह रिश्ता कभी टूटे नहीं। तो जब आप ये शरीर छोड़ दें, अगले जन्म में जब फिर प्रकट होंगे ना, फिर आपको रिश्ता कहने खींच होंगे, और उसके बदले अगर आपने नफरत के ढेर सारे रिश्ते पाल लिए जन्म में, तो अगले जन्म में भी आप नफरत के सेंटर रहेंगे, जो आपसे जहाँ मिलेगा आपको नफरत ही करेंगे। तो ये सब कुछ सूत्र है, खैर हमको वो सब ले क्या करना, हमको तो आज हनुमान जी से मतलब है, तो चलिए हनुमान जी के बारे में आपको दो चार चीज़ें बता देता हूँ। किस आश्रम पर पूर्णिमा का दिन बगलामुखी माता दिन हो, पूर्णिमा के दिन माँ इस हनुमान जयंती के दिन से नया सिस्टम अडॉप्ट करने वाली है। उसने कहा कि आज से मैं अपना स्वरूप बदल रही हूँ, और अब जिनकी जो उचित मनोकामनाएं या भावनाएं होंगी उनको मैं अवश्य पूरा करूँगी, उचित से अनुचित में ध्यान रखना। ये मत मना लेना कि पड़ोसी की ये काम टूट जाती तो हम सुखी होते, तो मैं आपको थोड़ा सा जोक सुना दूं। फिर एक आदमी बहुत साधना किया, गणेश जी प्रकट कर लिया, गणेश जी ने बोला वरदान मांग, उसने कहा कि उनके मैं घर परिवार पूछ के आता हूँ। गणेश जी ने कहा सीधा मांग, पूछे नहीं चाह रहे, बिना पत्नी पूछे आपको पता है काम कैसे करूँ, नहीं पत्नी डांटे कि बिना हमसे पूछे क्यों वरदान मांगा, तुम मूर्ख आदमी, सारी पत्नियां क्या समझती है, पति को जो भी समझती हैं अच्छा है, अपना अपना भाव है, पति लोग क्या समझते हैं, जो आप समझते हो वही समझते हैं, पर दोनों ऐसा नहीं समझते, ये मेरा कथन है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज। तो खैर पूछपाछ आया, गणेश जी से कहा कि गणेश जी हम जो मांगते हैं आप उनको। अब गणेश जी को पता है कि आदमी बड़ा खुरापाती है, भले मुझे प्रकट तो कर लिया पर है खुरापाती। खुरापाती में कौन था, आपका जो भस्मा सुर, समझ रहे कि नहीं, ये बड़े बड़े असुरों ने प्रकट तो किया पर थे बड़े खुरापाती, सब ध्वंस किया। फिर गणेश जी ने कहा ठीक है, जो तू मांगेगा होता जाएगा, मैं एक विधि बता रहा हूँ, तुझे यही करना है, पर एक शर्त याद रखना, जो तुझे मिलेगा तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा। क्या बोले, पड़ोसी को डबल मिलेगा, पड़ोसी को डबल मिलेगा। अब आप पछा लगेगा ये अब उस पड़ोसी का भाग्य कि तुम उसके पड़ोस में थे, भगीरथ गंगा लाए आपको, लाए नहीं लाए तो आप दुखी मार रहे कि नहीं, तो भगीरथ ये सोच के तो नहीं लाए कि नहीं हम सबको दुखी नहीं मारने देंगे,
अच्छा गई किसी जोन से हिंदुस्तान दुनिया किसी कोने वाले जब दुखी मार के आ जा रहे हैं। तो खैर उसने बेचारे ने कहा पत्नी से देखो गणेश जी ने ऐसा दिया, पत्नी बोली अब यही तो गड़बड़ है ना, हम मैं होती तीस बार तो राजी नहीं होती, मैं यही बोलती भले हमको मत दो पड़ोसी को कुछ नहीं बनाती। अब उसने कहा तो जो भी समझो हो गई सो गई, चलती पहले दिन मनाए लोगों ने कि हमको खाना मिल जाए, ये मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बड़ा मनाते रहिए, ये मनाते गए उसको पड़ोसी को डबल होता है इनको तो मिलता गया। अब इसकी एक गाड़ी, इसकी दो गाड़ी, इसकी एक जहाज, इसके दो जहाज, इसके 500 बीघा खेत, उसके 1000 बीघा खेत, इसकी 2000 साड़ी, इसकी 4000 साड़ी, इसके इतने गहने, उसके उतने गहने, वो देख देख के पकड़ा गए। ने कहा ये अवसर नहीं हो, तुम जाओ किसी गुरु जी को मिलो, वो तुमको तरीका बताएंगे कि इससे हम कैसे बचे, ये पड़ोसी का वैभव तो नहीं देखा जा रहा। अब असली गुरु जी जिन्होंने गणेश प्रकट कराया था क्या उनके पास बोले भैया ये मैंने सिखाऊंगा, तो गुरु तो लाखों मिल जाते हैं, कहीं हर गली में गुरु मिल जाते हैं, तुमको ये चाहिए ना चलो हम है ना उस गुरु को छोड़ हमको हमसे मिलने दो, मिल गए गुरु जी। उसने कहा कि गुरु जी आप उद्धार करो, बोले अच्छा पहला वाला बोले वो क्या उद्धार करेंगे जैसा दे दिया कि पड़ोसी माला मालूम रहा है हमको। उन्होंने कहा ठीक है कल मैं तुझे फार्मूला सिखाता हूँ, थोड़ा कुछ रखता जा पहले पैसा। वो गुरु जी अपना शुरू हो गए, अब तो ये मांग तो उसको ये होगा ये मांग, उन्होंने कहा ठीक है अब तो पहले मांग कि हमारी एक आँख चली जाए, तो पड़ोसी कितनी गई दोनों, कहा अब तो अपना एक हाथ मांग जाए एक टांग जाए तरफ फिर भी गाड़ी चल जाएगी ना एक एक से, एक कितनी जाए जो कुछ है एक एक जाने दे, तो उसका चलेगा दबल जाना शुरू। अच्छा था हार्ट भगवान ने कह दिया उसका तो दोनों को फिर भी अब बहुत कुछ उसके पास है। बोला नहीं सर मैडम, बोला एक काम कर तू रात को बोल हमारे घर के सामने कम से कम 50 एकड़ का बहुत बड़ा तालाब बन जाए 100 फुट गहरा, तो पड़ोसी सामने बन गया डबल बहुत गहरा बहुत चौड़ा। अब पड़ोसी बेचारे रात को 100 फुट है तो पहले अंधे बंधे हो गए थे सब, अब उनको पता नहीं सामने खट्टा है उसी से गिर गए तो गणेश जी के शरण तो प्रकट हो गए। भाई बोले क्या है क्या बकवास कर रहे हैं, तुझे व्रत का हमने जो आशीर्वाद दिया दुरुपयोग के सदुपयोग के लिए, तो ये बगला भाई आपका काम कौन सा सुनेगी। यहाँ उस मनोकामना के अंतर्गत आप किसी का किसी प्रकार से बुरा नहीं मनाएंगे। हाँ अगर आपको सता रहा है आपको अपनी सुरक्षा थी वो मनाइए, ध्यान रखिएगा कोर्ट कचहरे मुकदमा ये जरूर मना लेना कि मैं विजयी हो जाऊँ या जो भी मार तरीक छाओ तो कर, अगर तुझे लगता है मैं विजयी हूँ उससे मेरा विजय तो वो मांग ले, अगर आपको लगता है हारने के बाद में रख करना तो मांग लो, पर ये मत कहो हार के चल जाना, बोलो जो आपको उचित लगे राइट। कभी कभी किसी चीज में हारना ही भविष्य के लिए अच्छा, तो पर डायरेक्ट कभी किसी के अहित के लिए मत मांगना। आज से मान ये हनुमान जयंती दिन से शुरू करेगी और अब हनुमान जी बारे बता रहा हूँ, सारे देवी देवता शरीर छोड़ चुके हैं इनकी हम पूजा कर रहे हैं, एक तरह सब सुख शरीर वाले भौतिक वाले नहीं है, हनुमान जी अजर अमर है तो इन फिजिकल बॉडी, तो उनकी साधना अन्य देवताओं की तुलना में ज़्यादा जल्दी फल देती है क्योंकि फिजिकल बॉडी में है। एक बार फिजिकल बॉडी जो बनती है वो बनती है एस्ट्रल बॉडी, लेकिन फिजिकल बॉडी का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। जैसे आप किसी को देखो ना फिजिकल वाले को तुरंत आपको मन प्रभाव हो जाएगा, या प्रेम या नफरत या हंसी खुशी जो देखते ही अगर एस्ट्रल में देखोगे ना तो प्रभाव बहुत लेट पड़ता है। सपने में जो कुछ घटना घटती है एस्ट्रल बॉडी को होती है, भौतिक जगत में जो कुछ घटता है फिजिकल बॉडी को होता है, एस्ट्रल टू फिजिकल टू फिर जर्नी चलती है। तो हनुमान जी एक अच्छे देवता जो सही है। दूसरी बात हनुमान जी को श्री राम जी का आशीर्वाद है कि तुम कलयुग में क्या चारों युग में चार युग प्रताप, इसका मतलब है चारों युग में तुम्हारा प्रभाव रहेगा। तो ये हनुमान आप सबका संकट काटते रहना, जो भी अच्छे कर्म करें। तो तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया हनुमान जी किसका संकट काटेंगे, कुमति निवार सुमत के जो अच्छे कर्म करेगा राइट, केवल उसका दुष्टों के लिए नहीं, क्योंकि बाएं भुजा असुर सब मारे दाहिने भुजा, तो दोनों काम कर रहे हैं, ये नहीं एक ही काम कर रहे हो,
तो आप संतोष के में रहना, सुमत में रहना, ताकि आपको भला करें। और पूरा का पूरा हनुमान जी ने जो ज्ञान मुझे दिया है, ज्ञान तो वो देते रहते, मैं आपको उसमें से एकदम सारांश बता देता हूँ। जिस व्यक्ति को हनुमान के लक्षणों का ज्ञान हो और अपने आप को हनुमान जैसा बना ले, साधना क्यों होती है? देवम भूत्वा देवता बन करके देवता साधना करने के लिए साधना होती है। तो आपको प्रयास करके वो देवता जैसा बन जाना चाहिए। तो हनुमान जी में क्या खूबी है? अगर आपको बोले हनुमान बन जाए तो कैसे बनोगे? ये नहीं कि पूछ लगा ले लाल लाल पोत्र, वो नहीं। उनके जितने गुण हैं वो आप में आने के, उनका एक दो गुण बताओ आप लोग, सोचते रहना घर जाके। उन गुणों में से ये देखो कि क्या मेरे अंदर एक भी गुण है या नहीं, और अगर वो गुण है तो क्या मेरा टिकता है? टिका ही रहता है, भाग जाता है। तो हनुमान जी के सारे गुणों में एक गुण बता रहा हूं, बाल समय रवि, बचपन में ही सूर्य भगवान को खा गए, ये तो हम लोगों का अर्थ लगाना है, ये अर्थ नहीं है। भक्त चलियों में उनको आत्मसात कर लिया सूर्य को, उनके गुरु कौन है? सूर्य। बचपन में ही सूर्य की पूरी शक्ति, अपने गुरु की पूरी शक्ति को हनुमान जी ने आत्मसात कर, और आप तो बुढ़ापे में भी गुरु की शक्ति को आत्मसात करो कि नहीं, क्वेश्चन मार्क, वो तो कर रही। प्रथम गुण है गुरु के सारे गुणों का आत्मसात कर। दूसरा एक गुण बता रहा हूं, संकट मोचन नाम, दूसरों के संकट को दूर करने में आप तत्पर रहते हो, राइट? ये दूसरी क्वालिटी बता रहा हूं। तो आप दूसरों को संकट देने में तत्पर रहते हो या संकट दूर करने में तत्पर रहते हो? सोच लेना, सोच लेना, फिर मुस्करा लेना, क्योंकि संसार संकट देने में ज्यादा लगा हुआ है, दूर करने में। और हनुमान जी कहते हैं कि संकट कहीं से आते नहीं, संकट पैदा किए जाते, संकट भुलाए जाते, संकटों निर्माण। तो अब आपको ये सोचना कि ये संकट पैदा ही नहीं होने देना है, बुलाना ही नहीं है, इसको आने देना ही नहीं है। और हनुमान जी कहते हैं कि जहाँ राम है, जहाँ हनुमान है, वहाँ संकट आ सकता है? नहीं आ सकता ना, तब आप इतने दुखी काय करते हैं? तात्पर्य कि हनुमान या राम आपके साथ नहीं है। आप चाहे हनुमान चालीसा पढ़ो, चाहे सुंदर कांड पढ़ो, चाहे व्रत रखो, कुछ भी करो, घंटा पीट पीटे थक जाओ, गला फाड़ फाड़ के, क्योंकि आचरण में अपनी बुद्धि में उस तत्व को नहीं ला रहे हो। हनुमान एक तत्व है, हनुमान एक पूर्ण गुरुत्व है, संपूर्ण गुरुत्व हनुमान में है, 16 कला संपूर्ण, इसलिए पूर्णिमा को पैदा हुए। पूर्णिमा जो व्यक्ति पैदा होते 16 कलाओं को नहीं पैदा होते, अन्य तिथियों वाले भी लेकर पैदा हो सकते हैं, क्योंकि भगवान अष्टमी पैदा हुए, अष्टमी दोनों के बीच में, ये कला भी वो कला भी, जो चाहे शत्रु मार दे, जो चाहे प्रेम कर ले, डांस कर ले, जो करना कर ले, बैलेंस इन बिटवीन। अष्टमी, अष्टमी पैदा होती है काली, अष्टमी पैदा होते हैं काल भैरव। तो ये तो बड़ा खेल विचित्र है। तो आप हनुमान जी बारे में बता रहा था, उनके गुण को अपने अंदर आत्मसात करिए। सुंदर कांड का पाठ करते समय, सुनते समय अगर आपकी आंखों से आंसू नहीं आए तो आपने सुंदर कांड का पाठ किया ही नहीं, खाली चिल्लाए। आज समझ में आ रहा है कि नहीं? न्यू जर्सी अमेरिका में गया, वहां हनुमान जी मंदिर में लोगों ने मुझसे कहा, गुरु जी शनिवार का दिन है, आप आज हनुमान जी को बोल दो। आपको पता नहीं बोलता है क्या बोलना, बोलो। वहां कुछ लोगों ने बोला, आप सुंदरकांड सुनते हैं क्यों गुरु जी, बताइए। ये तो जस्ट नहीं प्रश्न होते हैं, पर होते हैं तो होते हैं, गुरु तो गुरु होता है। मुझे क्या मालूम सुंदरकांड क्यों बोलते हैं, मुझे ये भी नहीं मालूम कौन सा कांड क्यों बोलते हैं। रामायण पढ़ाऊ बचपन में, जवानी में रामायण इतना पढ़ा ही नहीं, सुंदरकांड याद हो गया बचपन में, समझे ही नहीं कभी। यार तू तोता सभी है, समझ ले रहे, कोई जरूरी तो नहीं। खैर हमने कहा हनुमान जी सुंदर क्यों जरा बता दी, उन्होंने बता दी, आपको बता दी। उन्होंने कहा सुंदर कांड में मुझे माता सीता का दर्शन हुआ। आप अगर अपनी मातृशक्ति का दर्शन हो जाए तो जीवन सुंदर होगा कि नहीं, उस समय से प्रथम पॉइंट। दूसरा पॉइंट,
लंका में घुसने से पहले उनका अत्याचार शुरू हो गया। पहले सुरसा खड़ी हो गई, आगे लंकिनी में बोले टेस्ट तो होने लगा ना, जब वो खड़े हुए तब से उनका टेस्ट शुरू हो गया। आपकी जिंदगी में जब आपका टेस्ट शुरू होता है आप छोड़ के भाग जाओगे टिकोगे? बोलो, जैसे ही बगला में आपका टेस्ट होना शुरू करेगी ना, आप मंदिर गुरु जी छोड़ के पतली गली पहले पकड़ लोगे। नहीं ना, ना ये नहीं, टेस्ट में नहीं जाना। और हनुमान जी क्या बोलते हैं, एक टेस्ट, दो टेस्ट, तीन टेस्ट, जैसे सुरसा वजन बढ़ावा और मुँह बढ़ाए जाए बढ़ाए जा रहे हैं, और जब लगा के बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, छोटे हो गए फट से मुँह में जाके निकल आए। बाधाएं आपको बड़ी होने लगती हैं, आप उनसे बड़े हो जाइए या कुछ और रास्ता ढूंढिए, उसमें जाके निकल आइए। ये संसार दान समझने की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, लंका में प्रवेश करके मिल लिए सबसे बड़े बड़े ताकतवर जवान के जो थे, रावण एंड कंपनी, सबको देखा है, सबसे मिलाए, सीता से मिलाए, तोड़ मोड़ के उसके एक बेटे को निपटाया जाए, अपना परिचय भी दिया है, इंट्रोडक्शन के बाद एक मैं भी कुछ हूँ, जय श्री राम हूँ, और सब देने जमाने के बाद जब सीता माई के पास जाकर सीता क्या बोलती है, अजय अमर शुद्ध गुण निधि को हे हनुमान शुद्ध कहते पुत्र। जिस समय भगवान ईश्वर देवता पुत्र कहते हैं ना, वो जो आनंद आता है ना, उसकी कल्पना तो वही कर सकता है जो किसी को पुत्र हो, है तो सभी किसी को पुत्र, पर उन्हें अपनी माँ से बात से वो प्यार नहीं होता जो होना। एक बार माँ के हृदय से निकलता है, अरे मेरे पुत्र मेरे लाल, वो छोटा बच्चा नहीं, छोटे को तो भी कहेगा, छोटा को समझेगा नहीं, पर माँ को पूरा प्रेम छोटे पर उमड़ता है, बड़े पर उमड़ के अगर ऐसा बोलते मेरे लाल तो बात। तो ये एक और है, और वहीं अस्त सिद्धि नवके, जिसको चाहो उसको आत्म सिद्धि नवनिध्यान प्रदान कर सकते हो। करें तात्पर्य, एक हनुमान साधना प्रमाण सब कुछ कर सकती है, ऐसा वरदान किसने दिया, अस्वर दीन तो उस वही सुंदर कांड की देन है, और उसी सुंदर कांड के भी देन है। वो देखते सीता बड़ी विवश है, अपनी शक्ति उन्होंने प्रमाणित कर दी कि मैं इतना शक्तिमान हूँ, मैं सीता को लेकर जा सकता हूँ, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्त श्री हनुमान ने मर्यादा नहीं छोड़ी, लेके जा सकते सीता को, चल माता बैठ, क्या हाथ तो ले लेते कहीं नहीं लेते, लेकिन कहते राम कैसे आ गया, अपने इष्ट के अपने गुरु का आज्ञा तोड़ने का काम नहीं कर सकते, और अधिकार समाज के लोग गुरु की आज्ञा से क्या, इष्ट की आज्ञा को मानता है, और इष्ट की आज्ञा क्या है, शास्त्रों में जो कुछ लिखा है वह इष्ट की आज्ञा, जो शास्त्र वचन इष्टों के वचन है, देवताओं भगवान के वचन है, तो व्यक्तिगत इंडिविजुअल किसी एक के नहीं होते हो, और हम तो सारे वचन तोड़ देते हैं। ये हनुमान कुछ गुण है, और वहां से निकलने के बाद जब राम जी के पास आते हनुमान तब, तो राम कहते हैं कि तुमने जो काम किया हनुमान, मैं पूरी ब्रह्मांड में सोच रहा हूँ, घूम रहा हूँ, विचरण कर रहा हूँ कि इसके बदले में तुमको क्या दूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, उस उपकार के बदले में तुमको दे सकते। अब तो राम अपनी डिफीट भावना का सब स्वीकार कर रहे हैं, समझे कि नहीं, आदमी को जब किसी के प्रेम में एकदम पस्त हो जाता है ना, तब क्या कहता है, भाई तू महान है, तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ भी, और ऐसा प्रेम इष्ट का होता है, भगवान को होता है, गुरु को होता है, माता को होता है, पिता को होता है, और इतना ही प्रेम पत्नी का भी पति प्रति होता है। जो लोग पत्नी सता देते हैं ना, ये बहुत बड़ी गलतियाँ होती हैं, तो खैर ये हनुमान जी का थोड़ा सा चलता है, और हनुमान जी यही कथन है कि ब्रह्मांड में सब कोई संकट नहीं, मैं काट ना दूं, फिर राम न काट दें, और एक गड़बड़ ये है कि कोई व्यक्ति अगर कटवाना नहीं चाहे तो मंगलवार दिन हनुमान जी का जो आपसे बने पूजा पाठ जब तक से भवन करें, और मंगल ग्रह, क्योंकि मंगल शक्ति देगा तो हनुमान की शक्ति आप साथ कर पाएंगे, आचरण और मर्यादा। हनुमान जी से पूछा गया भाई सीता को कभी देखियो, हनुमान ने कहा अरे पांव ऊपर कभी देखा ही नहीं। लक्ष्मण से पूछा गया आभूषण पहचानते, बोले अरे हमने सीता के पांव पला कुछ देखा ही नहीं, और सारे हनुमान भगत तो किसको देखते हैं, कैसे देखते हैं, राम जाने, बोले बगला मार के जाए। हनुमान भक्तों को तमोगुणी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, दारू मांस मदिरा शराब
ये सब चीज़ें समूह हुई हैं। इसका सेवन हनुमान जी को बिल्कुल अच्छा ही पसंद नहीं है। मर्यादा वाले मर्यादा में रहिए। अरे एक बार हनुमान को खड़ा कर लीजिए, फिर ब्रह्मांड सारे तंत मन सोना टोटा भूत प्रेत पिशाच निगेटिविटी गरीबी ये सब। तो और कल हनुमान जी ने मुझे एक बात बताई थी, मेरे ध्यान में कोई डूब जाए तो ब्रह्मांड में से कोई बीमारी नहीं जो मैं शरीर से निकाल न दूं। कितना दिन जीना, 100-200 साल 5000 साल लोग जीते ही होंगे। अगर आप बीमार हैं तो उनको पकड़िए, अगर आप धन चाहते तो उनको पकड़िए, क्योंकि उसमें लाइन है ना, कौन सो संकट मोर गरीब को, तो गरीब का संकट खाली पैसा वाला ही होता है, कौन सा होता है। और प्रारंभ कहाँ से होता है, श्री गुरु चरण। बिना गुरु के हनुमान जी कृपा करने वाले नहीं हैं। जब गुरु प्रसन्न होगा तो ना प्रसन्न होंगे अन्यथा संभव। और मुझे हनुमान जी बार बार कहते हैं, गुरु कृपा के माध्यम से मुझे प्रकट कर, मुझे प्रसन्न कर, मेरी शक्ति को आत्मसात कर। कंडीशन लगे रहते हैं गुरु कृपा के माध्यम से। उसी आशीर्वाद को समझते हैं, किसलिए कहते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। हनुमान जी के बारे में कुछ बोलते मूंगा आज हम लोग यहाँ रखेंगे सिद्ध होने के लिए। हनुमान जी शक्ति मूंगे पर बैठ जाए, कुछ मूंगे वापस प्राप्त करने की प्रार्थना कीजिएगा। भजन गाने वाले को दिल से भजन गाते हैं। दोपहर बाद हम लोगों ने सुंदर कांड एक मत सुना, फिर हम लोग मत सुनेंगे, हर अवस्था मुस्कुराएंगे। और जब ये पढ़ने लगेंगे ना, जैसे आप मूवी देखते हो ना ऑडियो वीडियो एक साथ, तो आपको सिर्फ मूव करना है, खाली सुनना नहीं है। जैसे जैसे हनुमान जो जो करें आपको लगे कि आपको देख रहे हो, रियल देख रहे हो, पिक्चर एडिशन। तो जब राम हनुमान और सीता सामने होंगे ना, जब सीता बोलेगी कि भाई कुछ गिरा दे, हाथ दे दे कहीं से, तो हनुमान बोले हे भगवान क्या करूं। तो कैसे कैसे होता है आप भावना में जाइए। अगर आपके आंसू गिर गए तो आपके संकट करने शुरू हो जाएंगे, नहीं गिरे तो भी कोई बात नहीं है। मैं हूँ हनुमान है, कृपा करो गुरुदेव की। यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन समाप्त कर रहा हूँ।